मैं हूँ मानव, मेरे साथ हैं सिया और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि बच्चों के हिसाब से आजकल कौन कौन से एक्टर्स फेमस है और उनको कौन से एक्टर्स पसंद आते हैं। सिया से हेलो। हाय, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक ही हूँ, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं ना। फिर भी अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको कौन कौन से एक्टर्स पसंद आते हैं। खान से शुरू करें पहले? ठीक है, तो हम खान के बारे में बात करते हैं पहले, ठीक है? तो आपको आमिर खान कैसे लगते हैं? आमिर खान कौन है? अच्छा, ये पता ही नहीं है आपको? चलो वेरी गुड। और आपको सलमान खान कैसे लगते हैं? मुझे सलमान खान कोई खास लगते, वो उनको भी अच्छी एक्टिंग नहीं करते क्योंकि वो अपनी एज से यंग बनने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, आई आल्सो डोंट नो व्हाई। ऐसे तो पूरी हिंदुस्तान ही समझने की कोशिश कर रही है, वो यंग बनने की कोशिश क्यों करते हैं। अच्छा, शाहरुख खान का आपको अच्छे लगते हैं? ओके, क्योंकि बहुत बूढ़े हो गए हैं ना। बूढ़े हो गए तो आपको बूढ़े लोग पसंद नहीं है? बूढ़े लोगों से कोई खास एक्टिंग नहीं हो पाती है ना। अच्छा, तो एक और बूढ़े एक्टर के बारे में बात करें जो लोग बोलते काफी अच्छे हैं, अमिताभ बच्चन कैसे लगते हैं आपको? मुझे अमिताभ बच्चन कोई खास नहीं लगते। क्यों? क्योंकि वो बहुत पुराने जमाने की एक्टिंग करते हैं। पुराने जमाने की एक्टिंग करते हैं, तो नए जमाने में वरुण धवन कैसी एक्टिंग करता है? अच्छी एक्टिंग करते हैं, वो स्टंट भी बहुत अच्छे करते हैं, चाहे वो हेल्प के साथ करते हैं सारे। अच्छा, और रणवीर सिंह? रणवीर सिंह भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। जैसे कि बहुत सारी मूवीज है जैसे कि सिम्बा, उनमें भी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। आपको अच्छे लगते हैं? और रणवीर कपूर के बारे में क्या ख्याल है? रणवीर कपूर तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, वो अपने रोल के हिसाब से बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। जैसे कि आप जग्गा जासूस देख लीजिएगा, बहुत पुरानी मूवी है जैसे कि 2018-19 की, उसमें भी उनको दो तीन रोल मिले हुए थे और उन्होंने वो किए थे जिसकी फनी, सीरियस एंड एवरीथिंग। ओके। और आपको आयुष्मान खुराना कैसे लगते हैं? आयुष्मान खुराना कौन है? अच्छा, वेरी गुड। और राजकुमार राव? राजकुमार राव की बहुत अच्छी एक्टिंग होती है, जैसे कि आप स्त्री देख लो। और एक्टर्स के बारे में बात करें तो आपको अजय देवगन कैसा लगता है? आप उसकी गोलमाल इतनी बार देखते रहते हो। वो तो उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है ना, उसमें बहुत सारे लेसन हुए, जैसे कि कोई अच्छा दिखता है तो उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। और उसमें भी उसने अच्छी एक्टिंग की है, वो अलग अलग रोल्स करता है जैसे कि फनी। और उसमें जो और भी लोग थे जैसे कि जो उसके फ्रेंड्स बने थे, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। ओके। तो आपको टाइगर श्रॉफ कैसा लगता है? मुझे टाइगर श्रॉफ बहुत अच्छा लगता है, उसके स्टंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं, उसका एक्शन सबसे अच्छा होता है। ओके। और कोई पुराने जमाने का एक्टर आपको पसंद है? सनी देओल पसंद है आपको? हूँ, सनी देओल मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? वो एक्टिंग अच्छी करता है और वो काफी यंग भी दिखता है। अभी भी यंग दिखता है। और अनिल कपूर? अनिल कपूर कौन है? अनिल कपूर आपको पता ही नहीं है? वेरी गुड। तो चलो आज फिर आप बाय बाय कर दो सबको, फिर हम एक और लिस्ट बनाएंगे कि आपको कौन कौन सी एक्ट्रेसेस अच्छी लगती हैं। बाय।